ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। सो जो स्टूडेंट्स यूके स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं या यूके स्पाउस के साथ स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें आज का हमारा ये शो। तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप रीसेंट इनटेक्स के लिए यूके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन तीन बातों का ध्यान आपने जरूर 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 रखना है। सो शो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। सो यूके अब नवंबर इनटेक, दिसंबर इनटेक की बहुत सारे स्पाउस केसेस की फाइल जो है अब एम्बेसी जा रही है और जनवरी में भी डेफिनेटली उसकी भी साथ साथ में फाइलें लग रही है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइलिंग को लेके कुछ चीजों को ध्यान दे लें। जो सितंबर में हमने सीखा, जो हमने सितंबर में एक्सपीरियंस किया, तो डेफिनेटली हम ब्रॉडवे तो उसी हिसाब से रेडी होकर चलते हैं, बट हमारा फर्ज है क्लाइंट को भी साथ के साथ रेडी रखना, चाहे आपने हमारे से अप्लाई किया है या कहीं और से। तो यूके के अंदर एक तो रेंडम केसेस पे इंटरव्यू आ सकते हैं, वेरिफिकेशन जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर लगा रहे हैं मेक श्योर कि वो वेरीफाइबल हो, मतलब अगर उन पर कॉन्टेक्ट किया जाए तो उन पर रिस्पॉन्स है। इनमें से सबसे ज्यादा जो कॉन्टेक्ट किया जाता है वो आपके बैंकिंग पर किया जाता है, तो अपने बैंक्स के साथ इस चीज को डबल चेक कर लो। ऐसे कई केसेस हमने सितंबर में देखे थे कि जिनके बैंक्स ने अपने फंड वेरीफाई नहीं किए एम्बेसी को और बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, फिर वो दोबारा फाइल लगा रहा है इस बार, तो परेशानी एक खड़ी हो जाती है। होता क्या है कि बैंक्स को ईमेल जाती है, आप मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो, खासकर सरकारी बैंक वाले भी बड़ा एटीट्यूड है उनका, जिन्होंने वो वाले फंड लगा रखे हैं वो तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। वो मैनेजर से अपनी ईमेल्स क्रॉस चेक करते रहना, कई बार ईमेल उनके स्पैम में या जंक में चले जाती है जो उनके ध्यान में नहीं आती और उसके कारण भी वेरिफिकेशन रह जाती है। सो काइंडली अपने मैनेजर्स के साथ, बैंकिंग के साथ अप टू डेट रहें, अपने जो अदर डॉक्यूमेंट्स लगाए दे ऑल शुड बी वेरीफाइबल और आपका जो नंबर आपने उसमें दिया है, कॉन्टेक्ट दिया है, ईमेल दिया है, दैट शुड आल्सो बी करेक्ट एंड अप्रोचेबल सो दैट कि आपकी फाइल्स में कोई मसला ना आए। यूके के अंदर वीजा 100% है एज फार आप कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं करते, तो टेक्निकल मिस्टेक्स जो करते हैं या हो जाती हैं वो ज्यादातर यही है जो मैंने आपको बताई है। और इंटरव्यू के लिए जरूर प्रिपेयर रहे। बहुत सारे बच्चों का अक्सर ये होता है कि सर कोई यूनिवर्सिटी दे दो बिना इंटरव्यू के। भाई यूनिवर्सिटी बिना इंटरव्यू मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है यू कैन गेट द यूनिवर्सिटी विदाउट इंटरव्यू आल्सो, बट अगर यूनिवर्सिटी की जगह बाद में एम्बेसी का इंटरव्यू आ गया तो वो कैसे क्लियर करोगे? जब आप कभी इंटरव्यू में बैठे ही नहीं होगे, आपने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा कि इंटरव्यू होता कैसा है, तो भाई ये चीज आपके लिए बाद में बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती है। क्योंकि इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद फिर दोबारा सीट कास्ट मिल पाना, दोबारा फाइल लग पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपने लेनी है यूनिवर्सिटी विदाउट इंटरव्यू ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी फाइल्स पे काम करते हैं तो हम हर बच्चे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। डजंट मैटर उसकी यूनिवर्सिटी उसका इंटरव्यू ले रही है या नहीं ले रही है, हम उसे तैयार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एम्बेसी में किसका कब आ जाए इंटरव्यू किसी को नहीं पता। सो आई एडवाइज यू कि इस बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करें, अपने प्रोफाइल के ऊपर करें, आपकी फीस कहां बच सकती है उसके हिसाब से करें, क्योंकि चार पैसे घर वालों के बचेंगे जो इतनी मेहनत आपके ऊपर लगा रहे हैं, भाई उनका कोई फायदा होगा, आपका इंटरव्यू में बैठने से क्या तक जाएगा? आपके पास अच्छे मार्क्स हैं तो परसेंटेज है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा कंसल्टेंट अगर आपने चुना है तो वो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेगा। ब्रॉडवे के अंदर जैसे हमने तो 5 लोगों की टीम लगा रखी है, डेडिकेटेड है, उनका काम सिर्फ स्टूडेंट्स को डेली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। वो स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, उसका बेस चेक कर लेते हैं कितना है, उस बेस के हिसाब से फिर जिसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उसे ज्यादा दी जाती है, जिसे कम से चल सकता है उसे कम दी जाती है। इट डिपेंड्स कि बंदे का ऑलरेडी बेस कितना है। तो ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का ना बनाएं कि बिना इंटरव्यू कहाँ है, क्राइटेरिया ये बनाएं कि आपका पैसा कहाँ बचता है, आपके कोर्स की लेंथ छोटी बड़ी कहाँ हो जाती है, वो चीज आपको बेनिफिट कर सकती है, लोकेशन आपको अफेक्ट कर सकती है, तो लोकेशन आप चूजी हो सकते हो, एंड ऐसी चीजों को बनाएं जो लॉजिकल है, नॉट इलॉजिकल चीज। सो तुरंत ब्रॉडवे टीम से मिले, विद एंड विदाउट टाइलेट्स आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। टायर 2 वीजा में आप स्पाउस के साथ, परिवार के साथ भी जा सकते हैं,
उसके लिए भी आप टीम को मिल सकते हो, उसमें विदाउट आईएलटीएस विदाउट इंटरव्यू सब कुछ मिल जाता है आज की डेट में। तो जो स्टडी वीजा वाले हैं वो तो डेफिनेटली जैसे मैंने गाइड किया है उसी तरह से चलें और टीम को मिल लें, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम आपको देते हैं दैट इज कि आपने पैसे देने वीजा लेने के। स्टूडेंट्स आज बहुत सारे अपडेट्स, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यूके से रिलेटेड हमने आपके साथ शेयर किए। फर्दर अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सिर्फ अपडेट्स ही नहीं, इनसाइट्स, डिबेट्स, जो भी नए डिसीजंस आते हैं उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, र्यूमर्स के चक्कर में आप ना फंसें और सही तरीके से चीजों को समझें, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।